नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल और क्रिकेट 19 के इस गेम प्ले वीडियो में आपका स्वागत है, जहां पर इंडिया वर्सेस अफ्रीका के तीसरे टेस्ट मैच का दूसरे दिन के साथ हमने शुरुआत की है। पहले दिन इंडिया ने टॉस जीता था। हमारे इस गेम प्ले प्रिडिक्शन वीडियो में वहाँ पर पहले बॉलिंग का फैसला लिया था, ऑल आउट किया था अफ्रीका को बहुत ही जल्दी इनिंग में, और फिर बैटिंग की थी 129 पर 3 गंवाए था पहला दिन खत्म होने पे, और अब यहाँ पे मैच की शुरुआत हो रही है। मेरे पास ऑप्शन हमेशा रहता है 30 ओवर खेलने का। मैं या तो पहले सेशन में खेल लूँ, या तो दूसरे में खेल लूँ, या तीसरे में खेल लूँ। 30 ओवर का गेम प्ले यहाँ पे पूरा हो चुका है, आज के 90 ओवर हैं और मुझे फिर डाउट लग रहा है कि इस गेम में मुझे नहीं लगता है कि अब चौथा दिन भी शायद ही आएगा। मुझे लग रहा है रियल लाइफ की बात करूं तो 258 पे 3 हो गया स्कोर कार्ड। अरे भाई, जबरदस्त इनिंग खेली है यहाँ पे। आखिरी दूसरा भी मैं सिमुलेट कर रहा हूँ, मैं आखिरी सेशन में। अरे यार, ले क्या पनौती है, ये कितने ओवर हुए हैं भाई, सेशन कौन सा है यार। ये गेम का मुझे सबसे बकवास लगता है। लाख गुना अच्छी है रियल क्रिकेट 19 WCC2, कम से कम प्रेडिक्ट तो कर सकते हैं थोड़ा बहुत। यहाँ पे तो दूसरे दिन में दोनों टीमों की एक एक बार बैटिंग हो गई है यार। एक बार स्कोर कार्ड देखते हैं, सेशन क्या चल रहा है वो भी इसमें सही ढंग से नहीं बताएगा। सेकंड इनिंग चल रही है, सेशन कौन सा है वो बता मेरे को भाई। पहले मैच रिव्यू में ये चीज बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब है। अगर मैं प्ले ऑल करता हूँ, प्ले ऑल हो ही नहीं रही। पहली गेंद में डाल दे रहा हूँ, मैच की शुरुआत हो गई। यहाँ पे बॉलिंग फिर करनी पड़ रही है। पिछली बार मेरी बॉलिंग नहीं आई थी, आज के दिन बैटिंग नहीं आई है। पहली इनिंग पूरी खत्म हो गई है, 150 रनों की लीड रही है। स्कोर कार्ड देखा नहीं है मैंने, तो देख लेते हैं हम स्कोर कार्ड क्या है। 126 कोहली ने मारे हैं रियल लाइफ में, वो कमाल रोहित शर्मा कर रहे हैं, जी के रहाने भी उनका साथ दे रहे हैं। इस गेम में भी 87 पे एग्जैक्ट इस समय 83 पे थे जब मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की थी, 83 पे वो खेल रहे थे रहाने। तो उम्मीद करता हूँ कि सेंचुरी करेंगे, 87 पे आउट नहीं होंगे। उसके बाद ऋषभ पंत अच्छा खेले, इस गेम में रिद्धिमान साह है नहीं तो ऋषभ पंत के साथ काम चलाया हमने। उसके बाद अंत में 3 विकेट डक लेके गई है ईशान शर्मा, मोहम्मद शमी और उमेश यादव। गेंदबाजी की बात करें, ऑल आउट हुई है 342 पे 80 ओवर में, बहुत जबरदस्त है। 5 विकेट निकाला है रबाडा ने, 2 निकाला है यहाँ पे महाराज, 1 एंगिडी और 1 फिलांडर ने। अब लेकिन मुझे ये नहीं मालूम पड़ रहा कि यहाँ ओवर कितने हुए, सेशन हुआ है कि नहीं, ये कौन सा सेशन चल रहा है। 30 ओवर था, नहीं हुआ है, सिमुलेट कर रहा हूँ, ये सेशन के बाद रुकूंगा मैं। जी हाँ, 8 ओवर का यहाँ पे सेशन था, पूरा हुआ, ये फाइनल ओवर, फाइनल सेशन शुरू होता हुआ। अब सीरियसली मैं नहीं चाहता हूँ कि एक भी विकेट गिरे, क्योंकि इस गेम में एक भी विकेट खोना मतलब कल के दिन मैच का रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा समझ लो आप लोग। पहली गेंद यहाँ पे, अभी तक कोई विकेट नहीं खोया है, मजा आने वाला है क्योंकि हम पहली बार ओपनर्स के सामने सबसे बेहतरीन जो गेंदबाज हैं, सबसे बेहतरीन जो बैट्समैन है उनके सामने बॉलिंग कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा टक्कर होने वाली है मैच में। कई लोग कह रहे थे कि कैमरा एंगल चेंज करो, भाई देखो बॉलिंग के लिए कैमरा एंगल अलग आता है, बैटिंग के लिए इस गेम में अलग आता है कैमरा एंगल। ओयो, बॉडी पे हिट होती हुई गेंद, 8 ओवर है मतलब 28 ओवर तक हमें गेंदबाजी करनी है। मैंने सारी की सारी गेंदें अलग अलग ढंग से डाली हैं ताकि बैट्समैन हमेशा कंफ्यूज रहे। यहाँ पर फिर से हेलमेट पे लगी है बेचारे के, बेचारा सिली पॉइंट पे क्या खड़ा हो गया, बॉडी पे ही हिट हो रही है बेचारे के। अगली गेंद पर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है मेरे को यार, क्योंकि मैं गेंद पर बैटिंग तो करना चाहता था, बैटिंग मज़ा आती है यार करने में इस गेम में, क्योंकि अभी मैंने इसमें कई शॉट एक दो नए सीखे हैं, वो ट्राई करना था आज की इस गेम प्ले में, लेकिन नहीं हो पाया है। बॉलिंग आई है यहाँ पर फिर इंडियन टीम में, पर फिर बॉलिंग करते हुए हमारे गेम प्ले में बहुत सॉलिड डिफेंस, सॉलिड मतलब यानी पूरी तरह से गेंद को रोक ही लिया था। ईशान शर्मा एक बार फिर हमारे साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, पिछली बार कोई भी विकेट नहीं ले पाए थे, पूरे मैच में कोई विकेट नहीं ले पाए थे, इस बार देखते हैं क्या करते हैं। फिर लेग साइड पे अटैक कर रहे हैं, गेंद गया है डीप में, बॉलर की तरफ थ्रो फेंका है, यहाँ पर एक ही रन मिलेगा। साइड चेंज कर रहा हूँ मैं, अगर लेफ्टी आता है तो, जी नहीं राइटी है। स्लोअर गेंद डाल रहा हूँ, गुड लेंथ पे रखी है गेंद, डिलीवरी यहाँ पे काफ़ी मिक्स डाली है,
तेज भी डाली है, स्पिन भी डाली है, स्लो भी डाली है, तेज भी डाली है। शान शर्मा यहाँ पे अपना नया स्पेल अभी अभी शुरुआत की, इस नई स्पेल की आउटस्विंग हो रही है। गेंद अंदर की तरफ रख रहा हूँ मैं, लाइन उसकी इस बार एज लगती हुई, बाउंड्री जा रही है, गेंद एज लगी थी, बहुत बड़ी एज थी है। और बॉलर की जो स्पीड थी गेंद फेंकने की, उसका पूरा फायदा उठाया यहाँ पे, चार रन मिलता हुआ। अगली गेंद यॉर्कर लैंड गेंद कर रहा हूँ, फुल स्पीड के साथ कर रहा हूँ मैं, देखना चाहता हूँ कैसे करते हैं ये सामना इस गेंद का, लीव करते हुए पिच खाने के बाद आउट स्विंग हुई है हल्की सी। एक और चीज मैंने देखी है इसमें, हम लोग बॉल को साइन कर सकते हैं, ये देखो मैं बॉल को साइन कर रहा हूँ, मैं जैसे ही बटन दबाऊंगा फिर साइन करेगा, देखना देखो फिर साइन किया। अब देखते हैं गेंद इतनी ज़्यादा मैंने साइन की है, इसका कुछ फ़ायदा मिलता है कि नहीं। स्लोअर गेंद एक बार फिर से कर रहा हूँ उम्मीद में कि, अरे इस बार ऑफ साइड पे गेंद, अच्छी गेंदबाजी बिल्कुल भी मैं नहीं कहूँगा इसको, बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि अच्छी गेंदबाजी है, बल्कि काफ़ी ख़राब गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर डिफेंस करते हुए, और इतना गंदा डिफेंस कर रहे हैं कि हिट करने के बाद 2 सेकंड तक खड़े रहते हैं पिच पे, ये बहुत इरिटेटिंग लगता है लेकिन डिफेंस करते हैं। तो एक बार फिर से फ्लिक करते हुए, कोई ज़्यादा सफलता नहीं मिली है। अलगर और मरकरम यहाँ पे खेल रहे हैं, आम बॉल करने आए इस बार, देखते हैं क्या होता है इस गेंद पर। बढ़िया गेंद, फिर से फ्लिक हो रहा है यहाँ पे, कीपर की तरफ थ्रो है, डायरेक्ट थ्रो लगता हुआ, फील्डर को बार बार लग रही है बॉडी पे। दूसरा डाल रहा हूँ इस बार, फिर से गुड लेंथ पर से रखा ये गेंद, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, फिर से वही, लेकिन इस बार रन लेने में कामयाबी मिलती हुई, बॉलर की तरफ थ्रो फेंका है। ओवर में अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है, चेंज हुए हैं गेंदबाज, रविंद्र जाडेजा को बुलाया गया, मैं रविचंद्रन जाडेजा बोल रहा था। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग सेटअप, हाल फिलहाल रन लेने के लिए अफ्रीकन बैट्समैनों को एफर्ट डालना पड़ रहा है, ये अच्छी बात है। एक शॉर्ट पिच गेंद डाल रहा हूँ, देखते हैं क्या परफॉर्मेंस देते हैं यहाँ पे अपोनेंट हमारे। बहुत ही बढ़िया गेंद, स्विप शॉट खेला है, प्लेयर के हाथों में है, बढ़िया थ्रो फेंका है बॉलर के हाथों में, एक बढ़िया ओवर। रनों के मामले में कोई रन नहीं आ रहा, टॉप स्पिन करा रहा हूँ मैं, फुल लेंथ गेंद फेंकी है, फ्लाइट कराऊंगा गेंद को, बहुत ही ज़्यादा फ्लाइट, थोड़ा सा ललचाया था बैट्समैन को ताकि वो हिट करे, लेकिन फ्लॉप रहा है वो आइडिया। शान शर्मा साइड चेंज करेंगे इस बार, क्योंकि गेंद सही नहीं कर पा रहे हैं, गेंद बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हैं, अगर आप देखोगे इनका परफॉर्मेंस, लाइन लेंथ का भी कोई ठिकाना नहीं है। देखिए बहुत ही गंदी गेंद, बहुत ही खराब गेंद, अगर वनडे मैच होता तो फिर तो ये। अब देखिए मैं लेग साइड पे डाल रहा हूँ, अभी गेंद लेग साइड के बदले कहीं और ही जा रही है, इस बार सही है, इस बार बढ़िया गेंद है, इस लाइन पे डालनी होगी, लेंथ थोड़ा सा पीछे लेना होगा अपने साइड, बॉलर की साइड लेनी होगी लेंथ, लेकिन लाइन बिल्कुल सही थी इस बार, बहुत ही बढ़िया लाइन, फिर से बहुत ही बढ़िया लाइन। लेंथ की बात करें तो गुड लेंथ गेंद ज़्यादा बेहतर होगी यहाँ पर इस कंडीशन में, मैं कोशिश कर रहा हूँ गुड लेंथ पे ही डालने की। इस बार मिडल पे रखा है, फ्लिक किया है, गेंद जा रही है बहुत ही स्पीड से, फील्डर यहाँ चेज करता हुआ, लेकिन चार रन जाने से नहीं रोक पाएगा, बैक फुट पे खेला था शॉट, पहले ही पोजीशन ले ली थी, फ्लिक किया था हल्का सा, और चार रन लेते हुए एक यॉर्कर लैंड डाल रहा हूँ, स्लोअर गेंद है इस बार, देखना चाहता हूँ किस तरह से खेलता है बैट्समैन, जनरली ललचा जाते हैं स्लोअर में, लेकिन डिफेंस देखिए कितना गंदा वाला, यानी हमारे लिए कितना गंदा वाला डिफेंस। शान शर्मा अपने रन अप पे, फिर से एक फास्टर गेंद डाली है, लीव कर रहे हैं, देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि अफ्रीकन खिलाड़ी इतनी आसानी से हार नहीं मान रहे हैं। इसके बाद 10 ओवर का ही ऑटो प्ले होने वाला है, तो मैं मानता हूँ 10 ओवर में एक विकेट से ज्यादा तो नहीं खोनी चाहिए। बढ़िया थ्रो हाथों में रविंद्र जाडेजा, यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं विकेट की, सफलता बहुत ही दूर है, ऑफ ब्रेक रखी है गेंद, बढ़िया लाइन, बढ़िया लाइन, लेकिन थोड़ा और ऑफ साइड करना चाहिए मेरे ख्याल से, आम बॉल डाल रहे हैं इस बार, थोड़ा और ऑफ साइड रखना चाहिए राइटी के लिए। इस बार शॉट खेला जरूर है, लेकिन प्लेयर के हाथों में गई, साइड चेंज कर रहा हूँ,
दूसरा डाल रहा हूँ इस बार, एंगल चेंज किया है, तो आप देखते हैं किस तरह का परफॉर्मेंस आता है यहाँ पे निकल के। बहुत बढ़िया डिफेंस, पूरी तरह से बॉडी को समझ लो यार रोक दे रहे हैं वो। देखते हैं स्किन को फुल लेंथ रखा है, फ्लिक किया है, ऑडियंस यहाँ पे हर बार उम्मीद लगा के बैठी है, हर बार कर रही है। अगली गेंद स्टैंडर्ड डिलीवरी डाली है, कोई ज्यादा सफलता नहीं, डॉट गेंद जाता हुआ आराम से हाथों में आई है गेंद। देखते देखते 5 ओवर हो गए, 15 ओवर का खेल बाकी है। लेग साइड पे गेंद रखने की कोशिश है, गुड लेंथ, इस बार कैच के लिए अपील हुई थी लेकिन 4 रन लगते हुए बढ़िया बाउंस मिला था गेंद से पिच पड़ने के बाद, लेकिन 4 रन नहीं रोक पाए हैं। विराट कोहली यहाँ नई फील्डिंग सेटअप के लिए कोशिश कर रहे हैं, पिचिंग हो रही है, गेंद मैं फिर से वही डाल रहा हूँ, फर्क ये कि इस बार स्लोअर गेंद है लेकिन इस बार लेग साइड करती है, गलत गेंद, बहुत ही गलत गेंद ये, लेग साइड गेंद रखनी ही नहीं चाहिए इस समय, ऑफ साइड पे रखो, स्टंप के नज़दीक रखो, बैट के नज़दीक रखो, उसके अलावा अगर आप कुछ कर रहे हो तो फिर मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी से कम नहीं है वो। स्लोअर गेंद लेकिन फिर से स्टंप पे नहीं डाल पाए, मिडिल स्टंप बहुत ही दूर यहाँ पर गेंद से, और इसीलिए बैट्समैन ने आसानी से लीव किया है। एक बार फिर स्टैंडर्ड डिलीवरी है, तेज रखने की कोशिश है, मिडल पे रखी है, हल्का सॉफ्ट साइड थी गेंद पर आसानी से फ्लिक किया है गेंद को और 1 रन लेते हुए। 13.4 ओवर, फुल लेंथ गेंद डाल रहा हूँ लेकिन क्रॉस सीम पकड़ के डाल रहा हूँ, तो देखते हैं क्या होता है गेंद पे। क्रॉस सीम है, ऊपर से फुल लेंथ गेंद है, मतलब कि डायरेक्ट जाएगी स्टंप के पास, लेकिन बैट्समैन पहले से ही काफ़ी अच्छे पोजिशन में थे, ऑफ साइड पे ही शॉट खेलने के मूड में थे और गेंद आई भी वहीं थी जहाँ खेलना चाहते थे, तो हर तरीके से उनके लिए बढ़िया हो गया था। एक बार स्लोअर गेंद, एक और ओवर, इंडियन टीम पूरा करते हुए बिना किसी विकेट के, ऑफ ब्रेक की तैयारी, लेफ्टी बैट्समैन है, लेफ्टी बॉलर है, बढ़िया कॉम्पिटिशन देखने को मिलने वाला है। फुल लेंथ गेंद फ्लिक करते हुए बॉलर की तरफ थ्रो दिया है, काफी गलत थ्रो, काफी लेट थ्रो, 31 पे पहुंच गए। विकेट लेनी, मैं नहीं चाहता हूँ विकेट गिरे, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं चाहता कि वन साइडेड मैच हो, थोड़ा बहुत मौके क्रिएट हो, LBW की अपील हो, थोड़े मौके बने तब मजा आएगा गेम में। 2 ओवर मैडन डाली है 4 में से, पर इस समय मैडन ठीक है, चलता है अभी, कोई देखते क्या होता है। स्ट्रेट में खेला हुआ शॉट, प्लेयर के हाथों में गई है गेंद, टॉप स्पिन करा रहा हूँ मैं, यॉर्कर लेंथ गेंद है, फ्लाइट कराने वाला हूँ पूरी तरह से गेंद को, पर आसानी से उसे पढ़ लिया था। मरकरम 44 गेंदों में सिर्फ 17 रन, लास्ट टाइम गलती की थी जल्दी जल्दी बैटिंग करने में, इस बार कोई गलती नहीं कर रहे हैं अफ्रीकन बैट्समैन, और ये अच्छी बात है क्योंकि अभी भी 101 रन जो कि बहुत होता है गेम में पीछे हैं। ग्रीन लाइन पे रखी गेंद, फिर से फ्लिक होता हुआ, ऑडियंस बहुत उम्मीद लगा के बैठी है, हर बार चिल्ला देती है। ड्रिंक्स ब्रेक, बहुत जल्दी आ गया, 7 ओवर में ही आ गया ड्रिंक्स ब्रेक, 7 ओवर में ड्रिंक्स ब्रेक नहीं आता, कम से कम 15 ओवर तो करने देना था। अगली गेंद यहाँ पर शांत शर्मा से कंटिन्यू करा, इस बार 7 ओवर में 30 रन दिए, पिटाई भी बरोबर की हुई है, एक फिर से हुक शॉट खेलने की कोशिश थी, हुक नहीं लगा है, लेकिन प्लेयर यहाँ पे चेज करता हुआ गेंद बाउंड्री के पार, ऑडियंस काफी खुश, अफ्रीकन खिलाड़ी काफी खुश, बहुत ही बढ़िया शॉट खेला इस बार, एक्चुअली हुक शॉट की उम्मीद थी लेकिन हुक शॉट जैसी गेंद आई नहीं, गेंद नीचे रह गई थी। अब मैं यहाँ पे आउटस्विंग करा रहा हूँ, ऑफ साइड में गेंद रखना मतलब लेग साइड में गेंद रखूंगा और बाहर की तरफ स्विंग कराऊंगा ताकि एज आए, लेकिन खेल ही नहीं रहे, थोड़ा बहुत क्रॉस सिम पकड़ रहा हूँ गेंद को ताकि इनको निशाना बनाया जा सके। स्टैंडर्ड डिलीवरी, एफर्ट डाला है गेंद में, हुक शॉट खेला है प्लेयर से काफ़ी दूर, लेकिन सिंगल लेने से नहीं रोक पाएंगे, 2 की आलिए कॉल किया था लेकिन ना बोल दिया अंत में। फास्टर गेंद इस बार, इस बार एज लगी है, लेकिन
लेकिन लेकिन लेकिन कीपर से दूर, कोशिश तक नहीं कर पाया कीपर। बढ़िया गेंद यार, क्रॉस सीम पकड़ी थी और हेल्प मिली है। ऑफ बैटर डाल रहा हूँ इस बार फिर से, क्रॉस सीम, क्रॉस सीम नहीं लेकिन एडवांस डिलीवरी है ये। काफ़ी चीज़ें मिक्स की थी इस बार, स्लोअर गेंद भी रखी थी और गुड लेंथ पे भी रखने की कोशिश थी, लेकिन कहीं ना कहीं बाउंस हो जा रही है गेंद। ये मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है, इस बार गुड लेंथ पे रखी है, क्रॉस सीम पकड़ी है गेंद, तेज गेंद, स्ट्रेट खेला हुआ शॉट, ओवर पूरा होता हुआ। 8 ओवर हो गए हैं इसी के साथ हमारे पूरे। गेंदबाज यहाँ बदलते हुए रविचंद्र अश्विन को बुलाया गया है। एक हिसाब से अच्छी बात भी है कि हमारी गेंदबाजी आ गई, क्योंकि रियल लाइफ में भी हो सकता है इंडियन टीम की बॉलिंग आ जाए दूसरे दिन, क्योंकि बारिश ने यहाँ पे हैरान करके रखा है रियल मैच में। तो जब तक बारिश नहीं जाएगी तब तक मुझे नहीं लगता है कि ये मैच का रिजल्ट आने का चांस है। हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर गलत ये देखिए बॉडी पे लगता हुआ, बेचारे प्लेयर 14 नंबर, ये कौन है भाई साहब, पता नहीं कौन है। आप लोगों को क्या लग रहा है कौन है ये? पता नहीं कौन है, रहाने नहीं होंगे, पता नहीं कौन है। फिर से लेग साइड पे गेंद रख रहे हैं, साइड चेंज कर रहा हूँ इस बार, रविचंद्र अश्विन है, राइटी बॉलर है तो इनके लिए साइड चेंज की है। यॉर्कर लेंथ गेंद, टॉप स्पिन कराने की कोशिश है, पैरों पे रखी थी गेंद लेकिन कोई हेल्प नहीं हुई है। एक शॉर्ट पिच गेंद डाल रहा हूँ आम बॉल के साथ, स्टैंडर्ड डिलीवरी, फिर से सेम शॉट, फिर से सेम शॉट और कोई रन नहीं आता हो यहाँ पे। 16.5, ये देखिए डायरेक्ट थ्रो मारने की कोशिश थी, मिस किया है कीपर ने। फुल लेंथ गेंद, अगली गेंद फुल लेंथ है, देखते हैं क्या होता है गेंद पे। पूरी फ्लाइट होगी गेंद, पहले ही पोजीशन ले ली थी, बैकफुट पे गए थे। मोहम्मद शमी, ये प्लेयर मुझे लग रहा है विकेट दिलाएगा। शांत शर्मा तो फ्लॉप रहे थे लेकिन मोहम्मद शमी बहुत बढ़िया फॉर्म में, इस गेम में भी है बढ़िया फॉर्म में। ये देखिए पहली गेंद, दो की कोशिश हो सकती है लेकिन नहीं, काफ़ी क्लोज कॉल था क्योंकि बॉलर ने जब शॉट गेंद डाली थी और बैट्समैन ने शॉट खेला था तो प्लेयर काफ़ी नज़दीक था लेकिन गेंद पकड़ नहीं पा रहा था, तो कभी भी ऐसा हो सकता था कि क्लोज मूवमेंट हो सकती थी। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, रिप्ले दिखाना चाहिए लेकिन नहीं दिखाया है और हम लोग ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। लेग साइड में रखने की कोशिश है गेंद, ऑफ साइड में की है लेफ्टी के लिए, उछल के गई है गेंद, टू बाउंस प्लेयर के हाथों में, डायरेक्ट थ्रो दिया है बॉलर को, बहुत ही बढ़िया डायरेक्ट थ्रो लगता हुआ। एल्गर 50 के करीब पहुँच रहे हैं, हमने कटर डाली है इस बार, देखते हैं क्या हेल्प मिलती है कटर से। कोई मदद नहीं, यहाँ पे सिंगल आता हुआ एक बार फिर से, बॉलर को फील्डर को ऊपर आना पड़ा है काफ़ी हद तक, डीप मिड विकेट से, डीप विकेट से, मिड विकेट तो नहीं। फिर से एक बार, इस बार फर्क ये है कि स्लोअर है, कटर डालिए इस बार फिर से एक बार। यॉर्कर लैंड गेंद, क्लोज कॉल हो सकता है लेकिन रनिंग काफ़ी बढ़िया। इसी के साथ 10 ओवर हमारे यहाँ पे पूरे होने वाले हैं, मैं एक बार स्लोअर गेंद डाल रहा हूँ गुड लेंथ पे, लेग साइड में रखने की कोशिश है, लीव करते हुए लेग साइड में गई भी नहीं है गेंद। दस ओवर का गेम बाकी, यहाँ पे बाउंस तो नहीं लेकिन फ्लाइट जरूर करा रहा हूँ ये गेंद में, बहुत ही बढ़िया बैक फुट पे फिर से एक बार, बैक फुट तो नहीं कहूँगा लेकिन सही ढंग से डिफेंस कर नहीं पाए थे, पैर वहीं का वहीं खड़ा रह गया था, पैट आगे निकल चुका था, पर किस्मत ये अच्छी थी कि उनके स्टंप पे कहीं नहीं थी गेंद। बहुत ही बढ़िया डिफेंस यहाँ पे, चेक करके खेल रहे हैं, डायरेक्ट अटैकिंग मूड में नहीं जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। अफ्रीका के लिए शॉर्ट पिच गेंद, बैक फुट पे फ्लिक किया है गेंद को, सिंगल देने से कोई नहीं रोक पाएगा, सिंगल आ चुका है इस ओवर में, अभी तक 3 गेंदें हो चुकी हैं। ऑफ ब्रेक करा रहा हूँ, गुड लेंथ पे रखी है गेंद, साइड चेंज नहीं की है, जो साइड थी वही कंटिन्यू कराई है, बाउंस होगी गेंद लेकिन रन नहीं मिला है। आखिरी गेंद, आर्म बॉल डाल रहा हूँ गुड लेंथ पे, फ्लाइट कराने की इच्छा है लेकिन फ्लाइट करने से पहले ही गेंद फेंक देता है, प्रॉब्लम ये है। एक बार फिर से सेम वही हुआ है,
वहीं गया शॉर्ट एम्पायर के पास स्क्वायर लेग पे। आखिरी गेंद इस ओवर का आम बॉल है लेकिन शॉर्ट पिच डाल रहा हूँ, थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा करूंगा इस बार, कोई हेल्प नहीं हुई है बल्कि इस बार पीछे की तरफ खेल दिया है। दो की कोशिश नहीं की है, सिंगल से खुश है। पेक के सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जितने भी रन बनाएगी साउथ अफ्रीका वो हमारा रन चेज होगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि एकदम जबरदस्त टारगेट मिले कि 300-400 रन का टारगेट हो, और वाइड दे दी इस बार, लेग साइड में रखने की कोशिश है। इन स्विंग हो रही है गेंद राइटी के लिए, इस बार पहले ही पोजीशन ले ली थी, थोड़ा चेज करना पड़ेगा गेंद को, दो रन का कॉल फिर भी नहीं ले पाए। हाँ दो रन था, अगर दिमाग वाला होता एआई तो दो रन लेता। इन स्विंग गेंद गुड लेंथ पर से जाएगी, लेग साइड पे लाइन रखी है उसकी, कोई हेल्प नहीं मिली है यहाँ पे। फिर से आसानी से स्ट्राइक रोटेट करते हुए इलगर इसी के साथ 40s में पहुंच गए अपने। एक बाउंसर डाल रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ मैं कि किस तरह से रिस्पांस देते हैं ये बाउंसर गिनो। फर्क ये कि स्लोअर बाउंसर है तो देखते हैं क्या होता है। फिर से लीव नहीं कराना है यार, क्योंकि लीव करना मतलब फिर तो पूरा पूरा मौका गंवा देना हुआ, जो मैं नहीं चाहता कि हो। इस बार देखिए एज भी लगी है, लेकिन एक समय मुझे लगा कि शायद हो सकता है मौका बने, लेकिन अभी के लिए इंतजार करना होगा थोड़ी देर और। यहाँ फिर से वही शॉट, लेकिन इस बार गैप में खेला है, सिंगल आता हुआ सिर्फ। 8 ओवर का गेम प्ले और बाकी है यहाँ पे, स्लोअर गेंद करते हुए अगली, फिर से लीव। डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे निकलता हुआ, बॉलर्स यहाँ पे नहीं कर पा रहे परफॉर्म। एक प्रकार से मैं चाहता भी यही था कि हो ऐसा, लेकिन मैं पहले ही कह रहा हूँ कि थोड़े बहुत मौके तो क्रिएट होने चाहिए, ये पूरी तरह से वन बाउंस तो मैं भी वन साइडेड मैच मैं भी नहीं चाहता। चलिए अच्छी बात है, यहाँ पे सिंगल तो नहीं लेने दिया है। ऑफ ब्रेक करते हुए गुड लेंथ पे रखी है गेंद, एफर्ट वाली गेंद होगी ये, देखते हैं क्या मौका बनेगा यहाँ पे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फुट जो उनका फुटवर्क था वो पूरी तरह से बिगाड़ दिया था, पहले आगे जा रहे थे फिर पीछे आने लगे। इस बार सेम वही गेंद है, बस फर्क ये है कि इस बार गुड लेंथ पे रखी है जो शॉर्ट पिच थी। इस बार देखिए अपील हुई है, बहुत ही बड़ी अपील, यहाँ पर नॉट आउट किया है, क्या करूँ, चैलेंज नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, रुका हुआ हूँ। फिर से वही गेंद, फर्क यह है कि इस बार थोड़ा सा बाउंस करा रहा हूँ गेंद को, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रेट में ही आई ये गेंद। काफ़ी गुस्से में अश्विन यहाँ पे, क्योंकि इनको लग रहा था कि मौका था पिछली बार भी और इस बार भी, लेकिन विकेट में कन्वर्ट नहीं कर पाया। इस बार करा ये बहुत ही बढ़िया फ्लाइट गेंद, लेकिन बैट्समैन खेल चुका है, ओवर पूरा होता हुआ, 7 ओवर का खेल यहाँ बाकी है। दोनों बैट्समैन बहुत अच्छा खेल रहे हैं यहाँ पर, मोहम्मद शमी अभी भी कोशिश कर रहे हैं विकेट की, पर बहुत दूर है, यहाँ तक कि मौके तक क्रिएट नहीं हो पा रहे विकेट के, बाकी चीज़ें तो बहुत दूर की बात है। गेंदबाजी भी अच्छी नहीं हो रही है क्योंकि सारी गेंदें लेग साइड में या तो ऑफ साइड में, लेग साइड या मिडल पे आ रही हैं, और मिडल पे तो फिर भी ठीक है, लेकिन लेग साइड पे जब जाती तब बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि लेग साइड में कर नहीं रहा हूँ, ये मैंने लेग साइड की नहीं है गेंद, ये अपने आप हुई है, क्योंकि आप देख लो मेरा मैं आउट स्विंग करा रहा हूँ, ऑफ साइड को देखो मैंने नीचे सिलेक्ट किया हुआ है। इस बार बहुत बढ़िया गेंद, इस बार बहुत बढ़िया गेंद, मानना पड़ेगा, बस यही लाइन रखनी है और कुछ नहीं करना भाई आपको, बस यही लाइन रखनी है, कोशिश करना है कि आपकी सारी गेंदें इसी लाइन पे हो। देखिए एज लगता हुआ, देखिए इसी के बारे में बात कर रहा था, 1-2-3 स्लिप लगती है, इसके बावजूद भी अगर एज लग जा रहा है तो डिफेंस ही किया था, डिफेंस ही किया था, लेकिन फिर भी एज ही लगी है। इस बार अपील हुई है लेकिन नॉट आउट हो गए, आउट से गोरी फिर से गेंद, फर्क ये कि इस बार स्लोअर गेंद है तो मजा आने वाला है इस गेंद पे, देखने क्या होता है। अरे फिर से एज, अरे क्या करें हम लोग,
दो दो एज लग रही है एक एक ओवर में, एक स्लिप में गई, एक पीछे की साइड गई है, आम बॉल करने आ रहे हैं, शॉर्ट पिच गेंद रखी है, यहाँ पर एफर्ट वाली गेंद नहीं है, स्टैंडर्ड डिलीवरी है वो, अगर पैरों पे लग जाती तो काम हो जाता। छः ओवर का खेल बाकी है, देखना ये भी होगा कि जब यहाँ पे हमारा गेम प्ले पूरा हो जाएगा 20 ओवर का, 10 ओवर हम लोग ऑटो प्ले करेंगे तब क्या होगा, वो चीज़ भी मुझे देखनी है, बेसब्री से जा रहे उस चीज़ का भी मुझे कि तब क्या होता है। इस बार करना होगा, अरे भाई करना होगा कैच, और जी हाँ कैच फाइनली मिलता हुआ, रविचंद्रन अश्विन यहाँ पर सफलता दिलाई इंडिया को, कीपर की हाथ पे लगी गेंद और फिर कैच गया है, रोहित शर्मा ने किया कैच, ये देखिए कीपर के हाथ पे लगी फिर रोहित शर्मा ने यहाँ पर कैच किया है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर, बहुत ही रोमांचक मौका। आशिम मामला आते हुए, अभी इसका रियल मैच में तो है नहीं, और मैं आपको बता दूं टीम ऑलरेडी सेट होके आया था, मैंने वही टीम कंटिन्यू की है, मैंने कोई एडिट नहीं किया है, अफ्रीका की टीम, इंडिया में जो जो प्लेयर थे मेरे पास उनमें से ही मैंने सिलेक्ट किया है। और देखिए एक विकेट गिरने से कितना दबाव बन गया है इसके ऊपर, अब मैं नहीं चाहता कि एक भी विकेट गिरे अफ्रीका की, बहुत ही बढ़िया स्विफ्ट शॉट, प्लेयर को फीड करने में सफलता मिली है, गेंद जा रही है यहाँ पर और बॉलर की तरफ स्ट्रोक फेंका लेकिन देर कर दी है, यहाँ पे पहुँच गए, 3 रन ले लिया यहाँ पर, 5 विकेट का खेल बाकी, पहली विकेट मिली है अभी आज के दिन हमारे गेम प्ले में, स्लोअर गेंद के साथ शुरुआत कर रहा हूँ, देखते क्या होता है यहाँ पर, स्लिप इस बार भी आ तो सकती है लेकिन भाई उसके लिए पहले ऑफ साइड में गेंद करो, तुम लेग साइड में गेंद करोगे और फिर उम्मीद करोगे कि यार विकेट मिले तब तो बहुत मुश्किल है। चलिए कोशिश करते हैं हम लोग, गुड लेंथ पे रखी है गेंद, 3 स्लिप रखी गई है, अब देख सकते हैं नीचे मैं कौन सी गेंद कर रहा हूँ, लीव किया है, चलिए थोड़ा मिडल पे डालने की कोशिश करते हैं, स्टैंडर्ड डिलीवरी, क्रॉस सिम पकड़ी है, गुड लेंथ पे रखी है, हल्का सा स्टैंडर्ड डिलीवरी आई है, मतलब कि खेलना ही पड़ेगा, ओ इसको भी लीव कर रहा है बंदा, बहुत ज़बरदस्त, अगली गेंद स्लोअर डाल रहा हूँ गुड लेंथ पे क्योंकि बहुत भाई साहब लीव कर रहे हैं गेंद को, मजा आएगा देखते हैं। इस बार खेला है स्क्वायर लेग के ऊपर से सिंगल के लिए, गेंद को काफी देर तक पकड़ के रखा था प्लेयर ने, फिर से स्टैंडर्ड डिलीवरी, फर्क ये कि इस बार ऑफ साइड पे रखी है गेंद पर कुछ ज्यादा सफलता नहीं मिलती हुई, काफी आसानी से खेल लिया है गेंद को रविचंद्रन अश्विन, जो अभी भी विकेट लेके गए काफी खुश होंगे अपने परफॉर्मेंस से, स्लोअर गेंद पहले ही पोजीशन में आ गए, चार ओवर का खेल बाकी, स्पिनर यहाँ पे तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं, जिस तरह की पिच है ना मुझे लग रहा है कि होंगे, एक विकेट और मुझे लग रहा है कि जा सकता है, अफ्रीका चाहेगी यहाँ पे मैक्सिमम अधिक से अधिक एक ही विकेट गिरे, आज का दिन आज का सेशन खत्म होने से पहले मैक्सिमम एक विकेट ठीक होना चाहेगी, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा अगर खोती है तो फिर मैं मानता हूँ कि पकड़ खो देगी मैच से। रोहित शर्मा तैयार है यहाँ पर गेंद को कैच करने के लिए, इन्होंने ही कैच किया था अभी इससे पहले वाला, तो काफ़ी एक्साइटेड हैं, मौके की तलाश में हैं, 3 गेंदें हो चुकी हैं यहाँ पर अश्विन की, विकेट की कोशिश कर रहे हैं लगातार, अलग अलग गेंदें डाल रहे हैं लेकिन अभी तक कोई ज़्यादा सफलता नहीं मिली है यहाँ पे, इस बार कोई रन नहीं, 4 गेंदें हो गई हैं अब, गेंद के सिर्फ 18 गेंदें बाकी हैं, आज का दिन हमारा समाप्त होने में सिर्फ और सिर्फ 18 गेंदें बाकी हैं, स्ट्रेट शॉट एफर्ट वाली गेंद है, देखते हैं क्या परफॉर्मेंस निकल के आता है यहाँ पे, ऊंची गेंद लेकिन गैप ढूंढने में सफलता मिली है, आसानी से जाएगा 4 रन, इस बार मरकरम के बल्ले से निकलता हुआ, एल्गर 50 करने की कोशिश कर रहे थे नहीं कर पाए हैं, और यहाँ पर गेंदबाजी में चेंज, मोहम्मद शमी, ईशान शर्मा जब फ्लॉप हो गए तो यहाँ पर एक नए बॉलर को ट्राई किया उमेश यादव को, यहाँ पर देखते हैं किस तरह से परफॉर्मेंस देते हैं क्योंकि दिन हमारा समाप्त होने वाला है कुछ ही देर में, यहाँ पे दिन हमारा आज का खत्म हो जाएगा, तब अगर फिर ऑटो प्ले में विकेट लेते हैं तो मजा नहीं है उतना,
बहुत ही बढ़िया गेंद, ये गेंद अच्छी थी काफी, मिडल के ऊपर से थी, और अगर यहाँ से थोड़ी सी बाउंस मिल जाएगी गेंद को तो मजा आ जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ बाउंस लेने की, सेम लाइन लेंथ पे रखने की कोशिश है, लेकिन इस बार पोजीशन पहले ही ले ली थी, सिंगल ले पाएंगे यहाँ पे मैक्सिमम। अरे ये क्या कर रहे हैं, अरे रन आउट का मौका है यहाँ पे कीपर, अरे भाई ये क्या हुआ है, बहुत बड़ा मौका गंवा दिया है, क्योंकि हासिम अमला डाइव लगा चुके थे, और डाइव लगाई तो लगाई लेकिन इन्होंने मरकरम रन दौड़ना शुरू कर चुके थे। आसान मौका था लेकिन थ्रो देने में जिस तरह से गलती की है उसके कारण भुगतना पड़ा है आज का ये। एज लग सकती थी लेकिन लगी नहीं है यहाँ पे, बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया स्लिप में रुकाएगी इनको, लेग कटर डाल रहा हूँ उम्मीद के साथ कि यहाँ पे कुछ कमाल हो जाए थोड़ा बहुत, नहीं हो पाया है, लेकिन अभी तक ओवर समाप्त होता हुआ, दो ओवर का खेल बाकी है। आम बॉल के साथ शुरुआत कर रहे हैं, अश्विन अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, रविंद्र जाडेजा को तो निकाल दिया था जल्दी, ज़्यादा गेंदें करने ही नहीं दी उनको, लेकिन अश्विन को कंटिन्यू कराया है और उनको विकेट भी मिला है। मुझे लगता है कम से कम चार ओवर तो देने ही चाहिए किसी भी बॉलर को लगातार। फिर से यहाँ पे डॉट गेंद, लगातार डॉट गेंदें जा रही हैं, डॉट ओवर्स जा रहे हैं, पूरे के पूरे मैडन ओवर जा रहे हैं। देखिए दो ओवर तो इन्होंने ही मैडन डाली और छः ओवर में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नौ रन दिए। एक बार फिर से यहाँ पे अच्छी गेंद जहाँ पे फील्डर रखा है, सारे शॉट सारी गेंदें वहीं जा रही हैं, तो ये चीज़ का बहुत बड़ा फायदा है यहाँ पे। टॉप स्पिन पैरों पर रखते हुए डॉट गेंद, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आठ गेंदें बाकी होंगी, देखना होगा किस तरह से गेंद करते हैं। स्टैंडर्ड डिलीवरी है, ज़्यादा उम्मीद नहीं होती इस तरह की गेंदों में। ये देखिए अश्विन थोड़ा सा बैट्समैन को डराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दबाव में आके विकेट खो दे, लेकिन बैट्समैन भी इतना बेवकूफ नहीं है, खो देगा विकेट। इस बार शॉर्ट पिच डालते हुए गेंद, गेंद को बाउंस कराने की कोशिश से ओवर पूरा हो गया, लेकिन इंतजार होगा उस चीज का भी कि 10 ओवर का जो ऑटो प्ले आता है उसमें क्या परफॉर्मेंस देती है यहाँ पे। अच्छा शॉट, बॉलर की तरफ थ्रो फेंका है पर कीपर की तरफ फेंकना था, गलती की है। अच्छा ओवर रन नहीं लिया है उन्होंने, वरना रन भी बढ़ जाता और मौका भी गंवा देते हम लोग। बाउंसर गेंद डाल रहा हूँ, शॉर्ट पिच गेंद पे क्लिक किया है, स्लोअर गेंद है ये, एज आएगी क्या? जी हाँ एज ही आई है, देखिए बदकिस्मती देखिए, मुझे पहले ही लग गया कि एज आएगी, लेकिन ऐसी जगह गई है जहाँ पर कोई प्लेयर ही मौजूद नहीं है। इस बार तो बहुत ही गंदा वाला एज आया, क्योंकि आप एज जो लगती है फिर वो तो फिर मौके बन सकते हैं सब पे। इस बार लीव करते हुए सिर्फ तीन गेंदें बाकी हैं, क्विक गेंदबाजी कर रहे हैं मोहम्मद शमी, जिनको अभी अभी गेंदबाजी से हटाया गया है। ये मेरे ख्याल से चाहते थे कि एक मौका उनको भी मिले और, लेकिन दिया नहीं गया है। अश्विन हमारे उमेश यादव पे विश्वास दिखाया है। ये देखिए गेंद का पीछा करते हुए रन नहीं दौड़ पाए हैं, क्योंकि थोड़ा सा डाउट था कि पता नहीं पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा। लास्ट की दो गेंदें, अब तो नहीं लग रहा है, अब नहीं लग रहा है विकेट मिलेंगी, अब नहीं लग रहा है कि कोई विकेट का चांस है। फिर से यहाँ पर सिंगल, दो की कोशिश होगी, आराम से लेंगे दो रन। कीपर देना था तो चलो कोई नहीं, ध्यान रखेंगे नेक्स्ट टाइम ताकि गलती ना हो। आखिरी गेंद आज के दिन का, 45 पे पहुंच गए हैं। स्लोअर गेंद पर रन ले लिया, कितना क्विक रन लिया है वो देखिए आप। जो नॉन स्ट्राइकर एंड था वो तो पहले ही डॉट चुका है, और यहाँ पे ओवर पूरा सिर्फ और सिर्फ 10 ओवर का गेम प्ले यहाँ बाकी है जो कि हम सिमुलेट करने वाले हैं। उसी के साथ आज का दिन ही पूरा हो जाएगा, 38 ओवर हो चुके हैं, आज का दिन हो गया यहाँ पे पूरा। तेम्बा पाउमा आए हैं बैटिंग करने और फाफ टू प्लेसेस कह रहे हैं, विकेट मतलब कि गंवाया है, और यहाँ पे देखिए शमी की किस्मत पर दो विकेट आ गए हैं, मतलब कितनी विकेट गंवाई है, तीन गंवा दी। अरे यार दोनों शमी ने लिए हैं, 51 पे आउट किया मरकरम को और हसीम अमला को आउट किया। मैं शुरू के 20 ओवर डालने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैंने ऑटो प्ले किया तो ये टीम का कुछ भरोसा है नहीं, आउट हो जाएगी। और एक विकेट अश्विन को आया जो हमने लिया था 8 ओवर में 20 रन,
उमेश यादव बहुत बुरी तरह से पिटे हैं, ईशांत शर्मा की भी पिटाई हुई है, रविंद्र जाडेजा लाजवाब 7 ओवर 3 मैडम 10 रन। तो आज के मैच की अगर बात करें, इंडियन टीम बैटिंग पे थी, 129 पे 3 विकेट खोया था, कोहली ने जबरदस्त इनिंग खेली, शाहाने ने बहुत बढ़िया साथ दिया, ऋषभ पंत ने भी अपना 50 मारा, 5 विकेट निकाले रबाड़ा ने डे टू, दो महाराज ने निकाले, और फिर बैटिंग करने आई अफ्रीका टीम। शुरुआत अच्छी हुई, अच्छी पार्टनरशिप बनाई पहली विकेट के लिए, लेकिन फिर 2 विकेट जल्दी गंवा दिए, मरकरम आसिम अमला जल्दी आउट हुए, और अभी तेम्बा पावुमा और डुप्लेसिस खेल रहे हैं, और ये लोग आएंगे कल के दिन बैटिंग करने, ये लोग कल के दिन बैटिंग करने आएंगे। इसका मतलब है तब तक के लिए मैं लूंगा आप लोगों से विदा, इस वीडियो का हो रहा है एंड, और आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट, अपना प्यार हमारे वीडियोज़ और चैनल को देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।